हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, देखिए, 10 शेयर्स खरीद के रख लो, 20,000 के अराउंड की आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ेगी टोटल, और ये इन्वेस्टमेंट जो होगी आपकी रिटायरमेंट के लिए होगी। अब आप सोच रहे होंगे, भैया ऐसा शेयर कौन सा है जिस पर मैं रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी शेयर के बारे में अगर आप रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हो तो आप सोचे उस शेयर में आपका भरोसा होना चाहिए। वो ऐसा शेयर नहीं आपका पूरा पैसा डुबो दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने चाहिए, एक मार्केट में पकड़ होनी चाहिए, तभी हम उसको इतने लंबे टाइम के लिए सोच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन सा है ये शेयर जो आपके लिए रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन शेयर्स हैं। 10 शेयर अगर आप 20,000 के इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है, इसके बारे में जानते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए, ये शेयर कोई और नहीं है, आपका अपना बैंक यानी कि एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड इंडिया में या फिर एशिया में कहें तो वन ऑफ द टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 5,80,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडिया में भी अगर आप देखें TCS, रिलायंस, फिर HDFC बैंक ही है इतने टॉप का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला। करंट प्राइस 2100 की रेंज में इसका ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू देखिए 390 के अराउंड है। स्टॉक का पी रेशियो 30 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्ट 7% का, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 18% का, और सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की वो 18.5% के आसपास है, मतलब बहुत बेहतरीन मैं कहूँगा। अर्निंग पर शेयर 72.80 का है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो ये इसके फंडामेंटल्स है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला शेयर है, बहुत ही बेहतरीन। आज न्यूज़ में छाया हुआ है। क्यों न्यूज़ में छाया हुआ है? क्योंकि आज इसका रिजल्ट आया हुआ है, इसलिए ये छाया हुआ है। रिजल्ट बेहतरीन, अगर आप ओवरऑल 10 ईयर का डाटा देखें तो आपको पता लगेगा हाँ भाई ये शेयर में कुछ बात है। रिवेन्यू कंटिन्यूसली पिछले 10 साल देखिए बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, और वहीं नेट प्रॉफिट देखिए बेहतरीन ग्रोथ दिख रही है नेट प्रॉफिट में भी। चलिए अब जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है उसके बारे में बात करते हैं। आज यानी कि सैटरडे 19 जनवरी 2019 ये देखिए रिजल्ट आया है। जो दिसंबर क्वार्टर ख़त्म हुआ है, 31 दिसंबर को जो क्वार्टर ख़त्म हुआ उसका आज रिजल्ट आया है। अराउंड 4 बजे के अराउंड रिजल्ट आया, तो रिजल्ट कैसा रहा वो देखिए आप क्लियरली समझिए, नेट प्रॉफिट समझिए पहले, फिर देखिए भैया एक प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, बाद में बात करते हैं रिवेन्यू की। तो इस क्वार्टर में अगर देखें 31-12 वाले क्वार्टर में ये सारी फिगर्स जो हैं लैक्स में है, मैं आपको इनको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। देखिए नेट प्रॉफिट जो शो किया वो 5,585 करोड़, मतलब कि बहुत बेहतरीन मैं कहूँगा, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था 5,005 करोड़, मतलब कि यहाँ ये मान के चलिए आप 580 करोड़ का नेट प्रॉफिट में उछाल, वो भी क्वार्टर बेसिस पे, दैट इज जस्ट ह्यूज अमाउंट मैं कहूँगा, बहुत बढ़िया उछाल कहूँगा नेट प्रॉफिट में। इस नंबर को देख के ऐसा लगता है कि शेयर में उछाल आ सकता है, बहुत बढ़िया नंबर है ये, और ये जो क्वालिटी का शेयर है एक्सीलेंट क्वालिटी का शेयर है। चलिए अब हम देखते हैं इसका पिछले साल दिसंबर में कैसा परफॉर्मेंस रहा था। पिछले साल दिसंबर में 4,622 करोड़ यानी कि 4,642 करोड़ इतना प्रॉफिट हुआ था, तो उसके कंपैरिजन में भी अच्छा खासा जंप, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी बहुत बढ़िया बेहतरीन जंप देखने को मिल रहा है। चलिए अगर पिछले 10 साल का जैसे मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा था तो ये देखिए मार्च 2018 तक इसने टोटल ओवरऑल 17,500 करोड़ के अराउंड का जंप प्रॉफिट शो किया है पूरे ईयर का। तो इस बार तो देखिए 5,000 करोड़ करके 20,000-22,000 से ऊपर चला जाएगा ये, अभी देखिए 19,000 की एक्सपेक्टेशन है, तो देखिए कहाँ जंप करेगा। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर वाइज, तो बेहतरीन ग्रोथ है भैया इस शेयर में। तो इसीलिए ये शेयर फेवरेट होता है रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव के लिए। अगर आप न्यूज़ में देखें जो आज इसके रिजल्ट के लिए न्यूज़ में छाई हुए, HDFC बैंक Q3 रिजल्ट्स मीट्स एनालिसिस, जो भी एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी वो मीट करी है बहुत बढ़िया तरीके से। आप देखिए 20.31% ईयर ऑन ईयर राइज, मतलब बहुत बेहतरीन 20% बहुत बढ़िया होता है एक बैंकिंग सेक्टर के इतने लार्ज कैप स्टॉक के, लार्ज कैप वाले स्टॉक के लिए। और नेट इंटरेस्ट इनकम जो NII जिसको कहा जाता है वो भी हायर है अगर आप देखें, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, NPA में ज़रूर थोड़ा सा बढ़ोतरी देखी गई है, मतलब कि 1.38% हो चुका है NPA, जो कि पहले कम था 1.29% था सितंबर क्वार्टर में, इस क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे जंप देखने को ज़रूर मिला है NPA में। ओवरऑल अदरवाइज रिजल्ट इज
वेरी गुड। देखिए चलिए अब मैं एक नज़र आपको दिखाता हूँ इसके टेक्निकल चार्ट को। आप टेक्निकल चार्ट देखिए, अभी कुछ टाइम पहले इस शेयर में देखिए 2216-15 के लेवल से ये गिर के ऑलमोस्ट 1900 के लेवल पे आ गया था। मतलब एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखी थी यहाँ पे बाइंग की, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा इसको, कि ये स्टॉक अपने जो टॉप के लेवल से ऑलमोस्ट 300 रुपया डाउन चल रहा था, तो यहाँ पे एंट्री का एक मौका ज़रूर दिया इसने। इतने भारी भरकम स्टॉक में ये बहुत बढ़िया एंट्री का मौका था, यहाँ पर लोगों ने बाई करके अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग करी भी है, तो वहाँ पे भी बेहतरीन यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को मिला है इन इस शेयर में, कंपनी में। तो देखिए अब ये आप सोच रहे होंगे कि किस लेवल पे बाइंग की जा सकती है। अभी एक कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है, रैली भी आ सकती है आने वाले टाइम पे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा इस ट्रेंड लाइन के अराउंड आपको ये कहीं दिखता है, मतलब 2000 के अराउंड प्राइस के अराउंड कहीं दिखता है तो आप कभी भी इसको बाई कर सकते हो। और एक जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है वो 1870-1890 के लेवल को शो करिए कि इस लेवल पर भी आप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अगर आप सोचते हो तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, रिटायरमेंट के लिए कहो या फिर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कहो, उनकी पढ़ाई के लिए कहो, उनकी शादी के लिए कहो, कहते हैं ना ऐसे ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन स्टॉक्स में उस लिस्ट में से एक स्टॉक है HDFC बैंक। अगर मैं मार्केट मोजो पे जाता हूँ और आपको इसकी क्वालिटी बताता हूँ कि किस क्वालिटी का ये शेयर है, तो आप खुद देखिए एक्सीलेंट क्वालिटी का शेयर है। चाहे हम मैनेजमेंट रिस्क की बात करें, ग्रोथ की बात करें या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, तो तीनों टर्म्स में खरा उतरता है HDFC बैंक लिमिटेड। बेहतरीन लार्जेस्ट कंपनी है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की। और अब मैं आप इसको वैल्यूशन में जाता हूँ, अगर इसकी वैल्यूशन देखा जाए तो अभी भी ये काफ़ी सस्ते लेवल पे है। मतलब मार्केट में जो अगर आप देखें तो 2200 से नीचे ये बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूशन में ये शेयर आपको मिल रहा है, ये मान के चलिए। अब एक नज़र मैं आपको इस शेयर का दिखाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इसका तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग ज़रूर कम है यहाँ पे 26 और क्वार्टर में, मतलब जून क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी दिसंबर क्वार्टर में प्रोमोटर की होल्डिंग भी बढ़ी है। मतलब 25.49% जो प्रोमोटर की होल्डिंग थी वो 26.54% हो गई है, मतलब 1% से भी ऊपर की प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ी है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन होता है किसी भी बैंक के लिए यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ने के लिए। अब अगर आप देखें इसमें कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस चीज़ को देखिए और समझिए। बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स आपको पता है बड़े बड़े पूल्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं इस तरीके के, वो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं अगर आपको लिस्ट दिखाऊं तो देखिए ABSL का आर्बिट्रेज फंड है, ABSL का देखिए बहुत सारे ABSL के बहुत सारे फंड्स हैं, चाहे इक्विटी हाइब्रिड फंड के हैं, इक्विटी सेविंग फंड्स के हैं, फोकस्ड इक्विटी फंड के हैं, तो ABSL ग्रुप के बहुत सारे फंड्स हैं। अब हम चलते हैं एक्सिस के भी इसमें बहुत, एक्सिस का आर्बिट्रेज फंड है, ब्लू चिप फंड है, क्योंकि ये शेयर ब्लू चिप है इसीलिए ये इंक्लूड हुआ है ब्लू चिप फंड्स में। और चिल्ड्रंस गिफ्ट मतलब कि बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो वाले फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा था आपके ये शेयर जो है बच्चों के फ्यूचर के लिए या फिर रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव के लिए वो शेयर है। तो बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस तरीके की सोच से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अब ये एक्सिस के इतने सारे फंड्स तो हैं, अब हम देखते हैं बड़ौदा पायनियर के बहुत सारे फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ, खासकर टैक्स सेविंग फंड एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव से सोचने वाले लॉन्ग टर्म वाले फंड्स ने इसमें, लॉन्ग टर्म की बात कहें या फिर लार्ज कैप स्टॉक की बात कहें, तो सब हर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसमें पैसा लगा रखा है, भर भर के पैसा लगा रखा है इसमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने। ये देखिए आप चाहे HDFC के खुद के फंड्स की बात कहें, HSBC का है, ICICI का है, या फिर आप देखिए IDBI का है, मतलब आप स्क्रॉल करते जाओगे नीचे आपको जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले फंड्स ने, चाहे कोटक हो या L&T हो या फिर LIC के बहुत सारे फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, या महिंद्रा का फंड्स है, मोतीलाल ओसवाल, प्रिंसिपल, क्वांट, रिलायंस के फंड्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास इस शेयर में सहारा के, SBI के, UTI के, मतलब हर किसी फंड ने HDFC बैंक को बाई करके रखा हुआ है और अच्छी खासी यूनिट में देखिए। तो इसीलिए ये स्टॉक बनता है बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। अगर हम अपना पास मीटर बनाएं ये तो स्टॉक बहुत बढ़िया तरीके से पास हुआ उसमें,
और अगर हम देखें इसमें FII, कितने FII ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मतलब 1174 FII इसमें इन्वेस्टेड है। बढ़िया FII का जोर है इसमें। और हाईएस्ट जो पब्लिक शेयर होल्डर है वो है यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, जिसका 4.08% इन्वेस्टमेंट है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के 11.06% इन्वेस्टमेंट है, और मेजर जो इन्वेस्टर्स हैं वो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इसके इन्वेस्टर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये समझ में आया होगा कि ये शेयर क्यों रिटायरमेंट के लिए है। रिजल्ट देखिए, डाटा देखिए पिछले 10 साल का, और परफॉर्मेंस आगे फ्यूचर देखिए कि HDFC बैंक किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उस हिसाब से आपको ये शेयर लगेगा येस दिस शेयर इज वर्थ ऑफ बाइंग के। भैया इसको खरीद के रख ले और रिटायरमेंट के लिए बढ़िया आपको पैसा जमा करके दे सकता है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।